नमस्कार एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री एंड द चैप्टर वी हैव रिवाइज द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट डिवीजन। नाउ रिवीजन 2 वी आर गोइंग टू रिवाइज एंड द नेम चैप्टर इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल स्टोरीज। नाउ द चैप्टर नेम इज चेंज्ड, इट द चैप्टर अबाउट किंगशिप्स। सो हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज अबाउट द टॉपिक चीफ एंड चीफडम्स। चीफ जो हेड होते थे चीफडम्स, वो एरिया जिसको वो लीड करते थे। सो हियर हु वाज द चीफ? चीफ वाज द पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिटेड। अब हेरिटेड के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन जो थी उसको हम एवेल्यूएट नहीं करते, बट वो एक पावरफुल पर्सन होता था जिसका इन्फ्लुएंस राजा या उस पर्टिकुलर एरिया के एम्परर तक होता था। सो ही वाज पावरफुल मैन। नाउ नो रेगुलर आर्मी एक ऑफिशियल इन द चीफडम्स, और जिस एरिया को वो होल्ड करता था या जिसका वो लीडर था वहां पर कोई रेगुलर आर्मी या कोई ऑफिशियल्स नहीं होते थे। सो चीफ्स वर देयर दोज हु वर द पावरफुल मैन एंड दे वर लीडिंग ऑन द पर्टिकुलर एरिया। अगेन वी विल कम टू नो अबाउट थिंग्स डिवाइन किंग। राजा को देवता का अवतार, ईश्वर का अवतार माना गया। वो कैसे कि जब भी कोई राजा के बारे में कोई बात होती उसे देवपुत्र के नाम से जाना गया, देवपुत्र सन ऑफ गॉड। सो राजा द किंग वॉज सन ऑफ गॉड एंड देवपुत्र। नाउ वॉट वॉज दैट द राजा अलोन वॉज नॉट होल्डिंग ऑन द होल एम्पायर। पूरे एम्पायर पे अकेले वो खुद ही रूल नहीं कर रहा था। ही वॉज हैविंग सो मेनी एसोसिएट्स। उसके बहुत सारे एसोसिएट्स थे, उनमें एक थे सामंत। सामंत वॉज द लोकल पर्सन जो कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे। कैसे थे कि उनका जो होल्ड था वो लोकल रिसोर्सेज पे था और लैंड पर पूरा कंट्रोल था। सो दीज वर द सामंत हुज वर हैविंग कंट्रोल ओवर लैंड एंड दे वर द प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द किंग। किंग को हेल्प करना, किंग को असिस्ट करना वो सामंतों का काम था। दे वर डीलिंग विद द लोकल मैटर्स, लोकल मैटर्स को डील करना और उन इश्यूज को राजा तक पहुंचाने का मीडिएटर का काम सामान करते थे। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल नो कम टू नो अबाउट द सो मेनी इंस्क्रिप्शंस। हमें इनके बारे में पता कैसे चला? इंस्क्रिप्शंस क्या कहती है? तो इंस्क्रिप्शन जो कहती है वो ये कहती है कि उस समय के राजा कैसे हुआ करते थे या उस समय कौन से मेन फीचर्स थे। सो इन द सेम वे प्रयाग प्रशस्ति वॉज देयर, जो अलाहाबाद किला के नाम से आज भी सिचुएटेड है। व्हेन आई टॉट दिस चैप्टर आई सेड द पर्टिकुलर एरिया, द लिंक रेफरेंस वीडियो ऑफ दैट आल्सो। सो प्रयाग प्रशस्ति जिसको अलाहाबाद किला भी कहते हैं, इट वॉज डन बाय हरिसेना। हरिसेना वॉज द पोएट ऑफ द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेट किंग। उनके दरबार के दरबारी थे हरिसेना। ही रोड अबाउट द प्लेस ऑफ समुद्रगुप्त इन प्रयाग प्रशस्ति। अबाउट समुद्रगुप्त सो मेनी थिंग्स वर देयर। ही वाज वेरी काइंड, ही वाज वेरी पावरफुल एंड ही वाज हैविंग सो मेनी वर्चुज। उसमें सारे देवताओं के गुण थे एंड ही वाज काइंड टू द पीपल। लोगों के लिए काइंड भी था। सो इन सच अ मैनर समुद्रगुप्त वाज द ग्रेट किंग एंड द थिंग्स वर रिटन इन प्रयाग प्रशस्ति and the author of that was the poet Harisena. Such type of questions can come in exam. Now see over that board till now, whatever we have studied, how many questions can come? Chiefs and chiefdoms. Who were the chiefs? Chiefs were powerful men whose position may or may not be hereditary. Then the second question, what is the meaning of Devputra? The meaning of Devputra is son of God. So the third one, Prayag Prashasti. Who wrote Prayag Prashasti? Prayag Prashasti was written by Harisena. Who was Harisena? Harisena was a poet in the court of Samudragupta. Who was Samudragupta? Samudragupta was the great king and he
was having so many virtues. That was mentioned in Prayagrajasthi. What is the present name of Prayagrajasthi? That is Allahabad pillar. So, उन pillars पे जो carving होती है, engraving होती है, उनमें वो चीजें लिखी होती हैं, जिससे हमें उस समय के लोगों के बारे में, उस समय के features के बारे में सारी बातें पता चलती हैं. Now coming to the next point, strategies for increasing production. अब उस समय अगर हम वहां का इकोनॉमिक पार्ट देखें तो इकोनॉमी की थीम किस पे बेस थी. तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, नई नई स्ट्रैटेजीज जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थी, दे वर यूज्ड. सो उनमें नए नए इक्विपमेंट यूज हुए. उनमें से एक था आयरन टिपर क्रोशियर. आयरन का क्रोशियर हल था एक तरह का, जिसको खेत में पर्टिकुलर ग्रोइंग के लिए यूज करते थे, सो दैट प्रोडक्शन कैन बी रेज. Then social differences in rural society. उस समय की rural societies में हम देखते हैं various types of social differences थे. कैसे थे? देखिए बच्चों, उसमें तीन तरह category थी. सबसे पहले तो large landowner. Large landowner कौन से? जो well-off person है, जो rich है, या फिर village के headman. जो विलेज का हेड होता था, देवर कमिंग द फर्स्ट कैटेगरी. नंबर टू गृहपति. गृहपति कौन? चौकी हाउस का ओनर था, ओनर ऑफ हाउस. थर्ड वन पुअर पीजेंट, जो कि थर्ड कैटेगरी में आते थे. सो कैटेगरी वाइज द थिंग्स वर डिवाइडेड एंड पीपल वर देयर अकॉर्डिंग टू देयर सोशल डिफरेंसेस. उनके अलग अलग पर्सनल लेवल थे. अब जो लैंड ओनर्स थे, जो रिचवन थे, तमिल ने उनको गल्ला कहा. तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, डिफरेंट नेम्स वर गिवन टू द लैंड ओनर्स. सो द नेक्स्ट थिंग अगेन वी सी एज द प्रयागराजस्थी वाज रिटन बाय हरी सेना इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त. नाउ इन द सेम वे हर्षचरित बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन. हर्षचरित जो थी, that was a biography of Harshvardhan and it was written by Banbhatt. Banbhatt ne biography likhi Harshchandra Harshvardhan jo sardar the unke bare mein aur jo iske lekhak the Banbhatt. Ab women were not supposed to access land. Ab jo females thi, agar wahan ki hum condition dekhe to there was discrimination between the male and the female. Males were having so many rights, access on the lands, but as far as females are concerned, they were not supposed to access land. Unko land access karne ka koi right nahi tha. It means patriarchy thi, jahan pe jo hota hai, male hota hai, he male is the head of the family, head of society. But some particular evidences were there. Prabhavati Gupta, and she was from the royal family, but she was accessing land. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जहां पे रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाली फीमेल जो थी, दे वर एक्सेसिंग ऑन लैंड. वैसे तो फीमेल्स वर नॉट सपोज्ड टू एक्सेस लैंड, बट इन सम केसेस इफ द फीमेल्स आर फ्रॉम द रॉयल फैमिली, दे वर एक्सेसिंग ऑन लैंड्स. मीनवाइल न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, उज्जैनी, मथुरा, पाटलिपुत्र, एंड न्यू सॉर्ट ऑफ ट्रेड हैज गोइंग टू बी डेवलप्ड. मथुरा डेवलप हुआ, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, छोटी छोटी जो पर्टिकुलर सिटीज थी वो धीरे धीरे डेवलप हुई. वहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेस आगे और बढ़ गए. देन कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, ट्रेड कॉइन एंड थिंग्स. अब कॉइन, अब हम देखते हैं कि जब भी हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज में भी बनी हुई. सो एट द टाइम कॉइन वॉज इन्वेंटेड, सिल्वर की कॉइन, गोल्ड की कॉइन, कॉपर की कॉइन. सो उस समय कॉइन जो थे एक्सचेंज किए जाते थे गोल्ड के लिए. और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था, इट वॉज यूज बाय द कुशांस. कुशांस वर द पीपल दोज की यूज फर्स्ट टाइम द कॉइन्स. सो इट वॉज अबाउट द कॉइन्स. एंड नाउ कमिंग टू द राइट, किसी भी पर्टिकुलर थॉट को लिखने के लिए वी नीड द राइटिंग स्किल, वी नीड द वे टू राइट. सो टू पर्टिकुलर प्लेस वर देयर, ब्राह्मी एंड खरोस्ती. ब्राह्मी लिपि एंड खरोस्ती लिपि, इट से
in this manner also Kharosthilipi wo which was written on the inscriptions. Inscriptions जो हमें बताती थी हिस्ट्री के बारे में, सो इट वॉज रिटन इन द खरोस्थलिपि एंड ब्राह्मी द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिस जो आज हमारी लैंग्वेज है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई. सो टू पर्टिकुलर मैटर्स फॉर देयर ब्राह्मी एंड खरोस्थलिपि. सो हियर वी कैन सी वन मोर थिंग, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें कहां से मिले इन पर्टिकुलर एरियाज के बारे में. वंस अगेन द सेम, इट इज फ्रॉम द inscriptions. Inscriptions से मिले और वहां पे बार बार राजा को देवपुत्र या देव नाम प्रिय कहा गया. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ देव नाम प्रिय? बिलव टू द गॉड, जो ईश्वर को प्रिय हो. बिलव टू द गॉड और प्लेजेंट टू बी होल्ड. प्लेजेंट टू बी होल्ड और बिलव टू गॉड वॉज द मीनिंग ऑफ देव. सो दीज वर रिटन ऑन द inscriptions according to the rajas, according to the kings, as they were ruling over the country, people were praising them, people were appreciating them. So in such a manner things were spread there and kings were ruling over the centuries aur unhone bahut din tak rule kiya. And in this particular chapter we have seen the glimpses of every empire, small empire we have seen, Megasthenes we have seen, we have seen Harshchandra also, like Dharshvardhan's biography, and we have seen about the Samudragupta, that Prashasti was there. So many things were depicted in this chapter. So political and economic history jo chapter keh raha hai aapka, usme aapka sara how they were doing the trade, what strategy they were using to increase the production, it is coming. And how inscriptions mein किस तरह से राजाओं की या वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनके लाइफ के बारे में जो बातें बताई गई, उन पर्टिकुलर थिंग से वी विल बी एबल टू कम टू नो अबाउट द पर्टिकुलर सिनेरियो. हमें उस सिनेरियो के बारे में उन सब इंस्क्रिप्शन से पता चला. सो दिस वॉज द चैप्टर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके रिवाइज किया. स्टिल यू नीड टू रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआर. जमाना यू बी एबल टू कम टू नो अबाउट सो मेनी फैक्ट्स. क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म. अभी जैसे आपका जो हम क्लास स्थान कर रहे हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड. तो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक. सो यू नीड टू रीड द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक एंड यू विल बी एबल टू नो अबाउट द क्वेश्चन. एंड वंस अगेन ऑन द सीबीएसई माई गाइड यू विल बी एबल टू कम टू नो अबाउट द चैप्टर्स, क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर्स. वो क्वेश्चन आपको 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, दे विल बी द आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. आप उसको अपने आप को उन पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. सो दिस वॉज टॉपिक वंस अगेन चीफ्स एंड चीफडम्स, चीफ परफॉर्मेंस, चीफडम्स उस एरिया दिस दे वर यूजिंग. रेगुलर आर्मी और ऑफिशियल्स नहीं थे वहां पे. नाउ डिवाइन किंग देव पुत्र सन ऑफ गॉड and they were depending on the samantas, जो कि local authorities थे. they were the rich ones. Prajapati अलाहाबाद किला जिसका real नाम अभी है. and हरि सेना he wrote about the soldiers. the strategy for increasing production में हमने देखा iron and plowshare और ऐसे बहुत सारे invention हुए जिन्होंने economically और जो particular लोग थे उनके अलग occupations थे उनको develop करने के लिए work किए. then we have seen about the social differences in society where the large landowners were there, the empties were there and the poor was there. In Tamil the landowners were told well off. Alag alag jagah pe unki alag alag naam the. Then Harshchandra's biography of Harshvardhan baan bhar ke likhi Sanskrit mein likhi. Vimeshuti unko land holding ka right nahi tha, but some evidence Prabhavati Gupta jo ki hua family se thi, she was a seeker. New cities like Ujjaini, Mathura, Pataliputra developed. Trade coin because of what trade developed होने के साथ साथ coin का develop होना जरूरी था. पहला gold coin बनाया कुशान टाइम में. First gold coin was made. And two lipis were there, Brahmi and Kharosthi. Kharosthi जो कि inscriptions में लिखते हैं और Brahmi लिखते हैं, that is used in the modern Indian language. And then we have seen the historical evidences. Dev naam priya. ऐसा लिखा जाता था उसका मतलब क्या होता था? दैट इज द बिलव्ड गॉड. अब देव नाम के लिखा गया अशोका के नाम किया गया.
क्यों ऐसा किया गया अभी आपने कलिंगा वॉर, ही लेफ्ट द वॉर एंड ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. सो ही फॉलोड द पाथ ऑफ धम्म. सो इन सच अ मैनर सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट किंग. तो देव नाम पे अशोक. सो इन सच अ मैनर थिंग्स वर रिटन द प्रेज ऑफ किंग्स. राजाओं की तारीफ में, राजाओं की प्रशंसा में वो चीजें लिखी जाती थी उनके नेचर के बाद. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे. टुडे आई विल जस्ट एंड द सेम like I will send you about the chief and chiefdoms and divine king, they put how they were called, and I will send you about these lipis also, Brahmani and Kharosthi, how it was written. You will see the videos and easily will be able to come to know how it was written. That's all for the day. Chapter 2 ka revision humne ab kar liya hai. Baki chapters ne humne video lectures nahi padhe the, and now next part will start with the chapter. फिर हम chapter start करें. So that's all for the day. Do revise, do the work in your books with the questions whatever I am giving you in the class, and don't forget to visit on the website of CBSE to know about the chapter wise questions. It will be very helpful during board exam. So that's all for the day. Thank you so much.